नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नमिता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अधिकारियों ने किया ऐसा कांड कि सुनने वाले रह गए हक्का बक्का। यूपी में कानपुर देहात के रनिया स्थित आरपी पॉलीपैक गद्दा फैक्ट्री में 21 सितंबर को लगी भीषण आग में 6 मजदूरों की जलकर मौत के बाद जिला प्रशासन की संवेदनहीनता का खुलासा हुआ है। हादसे को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृतक मजदूरों के परिवार अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से वंचित हैं। दुख की बात यह है कि मृतकों के परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं। घटना के दूसरे ही दिन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मृतक परिवारों को 12-12 लाख रुपए के चेक सौंपे थे और इसका फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने ये चेक वापस ले लिए और अब तक ना तो चेक लौटाए गए हैं ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लालता। कहाँ रहते हो? अनंतापुर। क्या समस्या थी जो आज अध्यक्ष जी के पास आए? समस्या ये थी कि हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत हो गई थी उसकी। तो हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चिक मिली है, अगर हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है इन समस्याओं को लेकर? इतना हम परेशान है समस्याओं के लिए तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? असरपियाल, अनंतापुर। क्या समस्या है जो आ जाए? समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जो जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। अच्छा, का भुगतान हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे? अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए सुने नहीं रहा है। आज अध्यक्ष जी के पास आए, उन्होंने क्या पसंद किया? अब अध्यक्ष जी के पास आए, देखो अध्यक्ष जी क्या करते हैं।